हाय एवरीवन, मैं हूँ जागेश्वर और स्वागत करता हूँ आपके अपने वर्चुअल क्लास जग्गी टेक पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक एरर को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इक्लिप्स में यदि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इस तरह का एरर आपका आ सकता है, HTTP स्टेटस 404 एरर। इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हो, द ओरिजिन सर्वर डिडंट फाइंड अ करेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट रिसोर्स और इट्स नॉट विलिंग टू द डिस्क्लोज दैट वन एग्जिस्ट। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, आप अपना लाना है इक्लिप्स का, इक्लिप्स में आइए। देन आपको यहाँ देखना है जो आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और जो भी एच टी एम एल फाइल और JSP फाइल और CSS फाइल है, वो आपको वेब INF के अंदर नहीं रख करके आपको वेब कंटेंट के अंदर रखना है। ठीक, मैं इसे रन कर रहा हूँ, रन और सर्वर, देन लोकल होस्ट, फिनिश। आप देख सकते हो मेरा ये एरर आ रहा है, जिससे हम लोग को इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन की ओर चलते हैं। आप देख सकते हो मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वेब INF फोल्डर के अंदर में, इसे आपको यहाँ से कॉपी करना है, देन आपको इसे पेस्ट करना है वेब कंटेंट के अंदर। ओके, वेब कंटेंट में राइट क्लिक करना है, देन पेस्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, नॉर्मल डिलीट। नाउ सेव करने के बाद आप दोबारा इसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रन कर सकते हैं, रन एज, रन ऑन सर्वर। ओके, टॉम कोड V9, देन फिनिश, रीस्टार्ट सर्वर। सर्वर मेरा रिस्टार्ट हो रहा है, अब देख सकते हो मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो जो मेरा एरर था वो सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।